ध्यान से सुनना, एक नंबर स्टोरी। अच्छा, ये स्टोरी सुनने के टाइम पे कभी देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, तो ऐसा बिहेव करना जैसे कि मालूम ही नहीं है। हाँ, तेरा एक्सप्रेशन ऐसा नहीं, मालूम है, मैंने पढ़ा है, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। बेस्ट है हाँ भाई, क्या बोलता है भाई। अच्छा, बाकी लोग जो जो वीडियो में देखते रहेंगे, तुम लोगों को मैंने 100% ये स्टोरी बोला रहेगा। इतने दिन तुम लोग ने स्टोरी सुना है, आज के बाद से इसको शेयर करो। तुम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ये स्टोरी को समझने के लिए पहले उसको इमेजिन करो। इमेजिन करोगे और मजा आएगा। स्टोरी चालू करने से पहले मेरे को एक पेंसिल और एक रबर दे दो ना। एक पेंसिल और एक रबर, हाँ चालू रहने दे। मेरे को एक पेंसिल और एक रबर, एक पेंसिल एक रबर। छोड़ो गर्ल्स, एक्टिंग मत करो। अच्छा, इधर से ही जोल कर दिया। अच्छा, अब ये स्टोरी है एक पेंसिल और एक रबर का। ये तुम लोग को देख के मेरे को किसका याद आया, बताए मैंने जैसे अभी तुमको बोला ना, पेंसिल रबर दो। हमारे स्कूल में भी ऐसी होता था, एक टीचर आती थी, हम लोग का तो बॉयज स्कूल था, आके बोलती थी एनीबॉडी कैन गिव मी A4 साइज पेपर। तो टीचर ने पेपर बोला तो सब इसकी वहाँ सब, मैं नहीं देता था, मैं खाली इंग्लिश टीचर मांगी तो देगा। तो लेकिन हमारे इसमें कैसा होता था, चार टीचर जैसे मांगी ना, चार लोग पेपर फाड़ के साथ, टीचर पेपर, टीचर टीचर तो एक का ही पेपर लेगी ना, बाकी तीन लोग मुंह लटका के आते थे। और तीनों को मैं ना आई टू आई कॉन्टैक्ट करके पूछता था, किधर डालेगा, बुक में तो नहीं जाएगा। छोड़ बटा, आते हैं अपन अपनी स्टोरी पे। ये स्टोरी एक पेंसिल और एक रबर का। दोनों मस्त फ्रेंड, इतने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड फॉर ऐसे वाले फ्रेंड, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, इतने खास फ्रेंड ना। कभी भी तुम पेंसिल लेने जाते हो, साथ में रबर भी लेके आते हो ना, पेंसिल रबर साथ में कितना अच्छा साउंड करता है। हाँ, वो अलग बात है, तुम पेंसिल के साथ शार्पनर भी लेता है, स्केल भी लेता है, लेकिन ज्यादातर जाने वाला कौन है, रबर या इरेजर, जैसा तुम बोलता रहेगा। इतने बेस्ट फ्रेंड्स, एक दिन क्या हो जाता है, ये पेंसिल है ना, पेंसिल ये रबर को सॉरी बोल देता है, पेंसिल रबर को सॉरी बोलता है। अब मेरे एक बात बता, समझ, मेरा खास है ये, मेरा खास है, कोई मेरा खास फ्रेंड मेरे को सॉरी थैंक यू बोलेगा, मजा नहीं आता, सुनने को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेस्ट फ्रेंडशिप में सॉरी थैंक यू होता ही नहीं है। नहीं, तेरे को अगर मेरे को सॉरी बोलने का है, गिरना पैर में, इले चाट, उसको धो के पानी पी, अगर तेरे को इतना ही सॉरी बोलने का है तो। तो पेंसिल ने जब पहली बार रबर को सॉरी बोला ना, तो रबर अफ्रेंड हो गया, मतलब बंटा मेरे को सॉरी वोरी क्या बोल रहा है, मजा नहीं आया भाई, अपने में सॉरी थैंक यू क्यों। तो पेंसिल एक मजबूत चीज बोलता है नहीं भाई, मैं सॉरी क्यों बोला होता है, जब भी मैं लिखता हूँ ना, तो कभी कभी गलत लिख देता हूँ, और फिर गलती मैं करता हूँ, और पब्लिक तेरे को घसती है। हे, गलती मैं करता हूं और पब्लिक है ना, तेरे को घसती है, कभी तू एक साइड से कम हो जाता है और कभी एक साइड से कम हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब तू मेरे साथ रहता ही नहीं है, तो सॉरी हां भाई, गलती मेरा है भाई। गाइस, कितने बार ऐसा होता है कि अपने साथ गलती हो रहा है बट अपने को पता नहीं चलता है, कोई बोलने के बाद मालूम पड़ता है गलती हो रहा है, तो रबर इसको एनालाइज करता है और सोचता है, हाँ यार साला गलती तो पेंसिल करता है, पब्लिक मेरे को घिसता है। 15 मिनट सोचने के बाद, 15 मिनट सोचने के बाद रबर क्या बोलता है पता है पेंसिल को, अरे इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, भगवान ने मेरे को इसके लिए तो बनाया है, तू कुछ गलती कर, मैं उसको रब करूं, और तेरे को याद तो रहेगा मेरे गलतियों को मिटाने वाला कोई था, तो इट्स ओके। कितना सा रबर क्या बात बोल दिया। ये एक लाइन से ना, मेरे स्टूडेंट्स लोग को जो मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा लगता है मेरे को पसंद करते हैं, और मैं जो बोलूंगा शायद फॉलो कर देंगे, तो मैं तुम लोग को एक लाइन पे ना एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो। अपने लाइफ में ना, अपने लाइफ में अपन ये पेंसिल है, तेरा मॉम डैड है ना, ये रबर है। कभी भी ये पेंसिल गलती करता है ना, तो सबसे पहले भाग के आने वाला उसका दोस्त, उसका भाई, उसका बहन नहीं रहता है, उसका रबर रहता है, यानी कि उसका पेरेंट्स रहता है। इस बात को याद रख, और जब तक वो रबर तेरे साथ रहता है ना, तेरे गलतियों को इतना मिटाता है इस आशा में कि एक ना एक दिन मेरा पेंसिल ऐसा लिखेगा कि पब्लिक देख के उसको ताली बजाएगा। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे को नेगेटिव में मत लेना, ठीक है। अपने सबके लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अपना रबर अपने साथ नहीं रहेगा। फैक्ट है ये, एक दिन आएगा जिस दिन अपना रबर अपने साथ नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा नोटिस कर, वो रबर जब तक तेरे साथ रहता है, तेरे गलतियों को मिटाते रहता है इस आशा में कि तू एक दिन ऐसा लिखेगा कि पब्लिक तेरे को देख के ताली बजाएगा। नेवर टेक योर पेरेंट्स एकदम से ना फॉर ग्रांटेड, रिस्पेक्ट देम इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी।
ये था अपना स्टोरी ऑफ द मंथ। ऐसा हर दो मंथ में एक बार दोनों को बिठाऊंगा, 11वीं 12वीं को, और ये बताऊंगा, हाँ तेरे को ये स्टोरी घर पे बोलना है बोल, लेकिन तेरा कोई फेवरेट रहेगा उसको मेरे को क्रेडिट दे देना, कॉपीराइट स्ट्राइक मारो, याद रखना इस बात को, समझा क्या।